सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं कैटिया V5 में ड्राफ्ट कमांड के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे ड्राफ्ट एंगल, ड्राफ्ट रिफ्लेक्टेड लाइन, वेरिएबल एंगल ड्राफ्ट। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। बेसिकली इसका यूज़ किसी भी सरफेस को टेपर करने के लिए किया जाता है, तिरछे सरफेस के लिए। मैं उसके लिए स्टार्ट मैकेनिकल जेन पार्टीजन में जा कर के सबसे पहले मैं कुछ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल एग्जिट, और इसे हम पैड कर लेते हैं। इसे मिरर एक्सटेंड एंड लिमिट दे देते हैं टेस्ट ओके एग्जिट, एंड देन ड्राफ्ट कमांड ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे प्लेन के अबाउट, किस प्लेन के अबाउट करना चाहते हैं। मोड में जा कर के हम डिफाइन पार्टिंग एलिमेंट ले सकते हैं, और यहाँ पे हम उस एक्सिस को सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से सेटअप करके ओके करेंगे तो हमारा इस तरह से वन साइड टेपर हो जाएगा। यहाँ से हम बोथ साइड करेंगे तो कुछ इस तरह से इतने एंगल पे बोथ साइड या टेपर बन जाएगा। ड्राफ्ट कमांड का यही यूज है। नेक्स्ट हम देखते हैं इस सरफेस से। पहले मैं कुछ सिलेक्ट करके, अगर हम इस प्लेन के अबाउट इसे ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो ओके, यहाँ पे हम इस प्लेन को ले लेते हैं। मोर में जा कर के हम अगर इस यहाँ पर डिफाइन पार्टिंग एलिमेंट और इस सरफेस के अबाउट करना चाहते हैं, प्रीव्यू करेंगे तो एरर बता रहा है ड्राफ्ट बोथ साइड, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेते हैं प्रीव्यू देन ओके। तो देखिए एक साइड में यह इस तरह से ड्राफ्ट हो जाएगा। ड्राफ्ट कमांड का यूज अगला देख लेते हैं। हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इस सरफेस के अबाउट करना चाहते हैं, एंगल बदल लेते हैं, और यहाँ से अगर प्रीव्यू करेंगे तो यह कुछ इस साइड में टेपर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ड्राफ्ट कमांड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। एनी डाउट कमेंट बिलो इन द चैट बॉक्स।